सुशांत केस में नया मोड़, आदित्य ठाकरे पर साधा निशाना, कंगना के तीखे सवाल, आदित्य ठाकरे सवाल देख हुए परेशान, कंगना के सवालों का किसके पास जवाब? सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में लगातार एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है, फिर भी इस केस में समाधान नहीं निकल पा रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने एक बयान दिया था और कहा था कि इस केस में सड़क छाप पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन वो धैर्य से काम ले रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था, इस केस में उनके परिवार के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मेरे भी इंडस्ट्री के साथ बहुत से संपर्क हैं, लेकिन वो कोई अपराध नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत शॉकिंग और दुखद है। मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है और महाराष्ट्र पुलिस पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन उनके इस बयान पर बॉलीवुड की बेबाक और बोल्ड क्वीन कंगना रनौत ने सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधा है। दरअसल कंगना की टीम ने ट्विटर से ट्वीट करके कहा कि हाँ, देखिए डर्टी पॉलिटिक्स की बात कौन कर रहा है, आपके पिता को मुख्यमंत्री की सीट कैसे मिली, ये भी डर्टी पॉलिटिक्स पर केस स्टडी है सर। ये सब छोड़िए, अपने पिता से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सिलसिले में बस ये कुछ सवाल पूछ लीजिए। पहला सवाल, आखिर रिया चक्रवर्ती कहाँ है? वहीं कंगना की टीम ने एक दूसरा ट्वीट किया और लिखा, आखिर मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत को लेकर FIR रजिस्टर क्यों नहीं की थी? तीसरा सवाल, जब सुशांत की जिंदगी के खतरे में होने को लेकर फरवरी के महीने में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, तो मुंबई पुलिस इसे एक ही दिन में सुसाइड घोषित करने पर क्यों तुली हुई थी? कंगना डिजिटल टीम ने अपने तीसरे ट्वीट में लिखा और चौथा सवाल पूछा, आखिर हमारे पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स या फिर सुशांत का फोन डेटा क्यों नहीं है, जिससे पता लग सके कि उनकी मौत के एक हफ्ते पहले तक उन्होंने किन किन से फोन पर बात की? पांचवा सवाल, बिहार के IPS विनय तिवारी को क्वारंटीन के नाम पर लॉक करके क्यों रखा हुआ है? छठा सवाल, आखिर आप CBI जांच से इतना डर क्यों रहे हैं? सातवां सवाल, रिया और उसके परिवार वालों ने सुशांत के पैसे क्यों लूटे? वहीं एक आखिर में कंगना की टीम ने ट्वीट करके कहा कि इन सवालों को पॉलिटिक्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है, प्लीज इन सवालों का जवाब दें। बता दें कि इससे पहले BJP नेता नारायण राणे ने भी अपने बयान में कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उनका मर्डर हुआ है। उन्होंने ये भी कहा था कि दिशा सालियान का सुसाइड नहीं हुआ है बल्कि उनका रेप करने के बाद मर्डर किया गया। राणे ने ये भी कहा था कि मुंबई पुलिस इस मामले में रसूखदार लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। वेल, सच्चाई क्या है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। तब तक के लिए आप पंजाब केसरी ग्रुप के साथ जुड़े रहें।